फाइनली दोस्तों, आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से दो और बड़ी फिल्में रिलीज हो चुकी है, जिसमें एक है बॉलीवुड फिल्म झुंड और दूसरी फिल्म है हॉलीवुड की बिग फिल्म बैटमैन। दोनों ही फिल्मों को दोस्तों आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन एक एवरेज ओपनिंग मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों गंगूबाई काठियावाड़ी, विमला नायक और वालीमई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करती हुई नजर आ रही है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इन पांचों ही फिल्मों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं दोस्तों कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई है, कौन सी फिल्म हुई है फ्लॉप। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म वालीमई के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जैसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 24 फरवरी को रिलीज किया गया था। एच विनोद के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस एक्शन ड्रामा फिल्म के लीड में आपको थाला अजित कुमार, शिवा कार्तिकेय और हुमा कुरैशी नजर आई थी, जिसने की इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन एक ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म के नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन 31 करोड़ 70 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग ओपनिंग ली और तमिल सिनेमा के कई सारी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। अपने दूसरे दिन कमाए 11 करोड़ 60 लाख रुपए, वहीं अपने तीसरे दिन कमाए थे 16 करोड़ 85 लाख रुपए। इस तरह से दोस्तों यह फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों के कलेक्शंस में लगभग 57 करोड़ से ज्यादा की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी थी। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के वीकडेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी कि पहले संडे को 19 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए, अपने पांचवें दिन कमाए 4 करोड़ 75 लाख रुपए, वहीं अपने छठे दिन कमाए थे 3 करोड़ 90 लाख रुपए। कल यानी कि अपने सातवें दिन इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो रहे 3 करोड़ 1 लाख रुपए के और अपने आठवें दिन दोस्तों इस फिल्म ने 3 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर की थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो अपने पहले हफ्ते में 94 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुका था। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 97 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 150 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज पार कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट रिकवर करते हुए एक एवरेज फिल्म अभी तक बनी हुई है। बात की जाए दोस्तों आज रिलीज होने वाली फिल्म झुंड और बैटमैन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि नागराज मंजुले के डायरेक्शन में बनने वाली एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है झुंड, जिसके लीड में आपको अमिताभ बच्चन सर और कई सारे एक्टर्स नजर आए हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि इस स्पोर्ट ड्रामा फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज लगभग 1200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, जहां पर यह फिल्म अपने पहले ही दिन इंडिया में लगभग 8 से 10% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है। इस फिल्म के ट्रेलर को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अमिताभ बच्चन सर जैसे महानायक के होने की वजह से यह फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन 3.5 से 4 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है, जो कि दोस्तों एक मीडियम बजट फिल्म के लिए काफी अच्छी ओपनिंग है। इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए लगभग 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि जिस तरह के रिव्यूज इस फिल्म को मिल रहे हैं, क्या यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाती है या नहीं। बात की जाए दोस्तों यहां पर हॉलीवुड की बिग फिल्म बैटमैन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा भाषा में रिलीज कर दिया गया है और यह फिल्म इंडिया बॉक्स ऑफिस पर आज लगभग 1000 स्क्रीन पर रिलीज की गई है। बताते चले दोस्तों आपको कि मैट रिव्स के डायरेक्शन में बनने वाली बैटमैन, जो कि एक डार्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म के लीड में आपको रॉबर्ट पैटिनसन, जो क्राटविज और पॉल डेनो नजर आए हैं। दोस्तों बता दें आपको कि लगभग 1400 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने पहले 12 से 15% की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी हासिल हुई है, जो कि एक तरह से किसी भी हॉलीवुड फिल्म के लिए काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यह डीसी कॉमिक्स की एक और सुपर हीरो फिल्म है, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज ओपनिंग मिली है। बताते चले दोस्तों आपको कि बैटमैन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने पहले ही दिन लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है, जो कि एक तरह से एक एवरेज ओपनिंग है। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का जो कलेक्शन निकल कर आ रहा है वो $50 मिलियन के आंकड़े को भी क्रॉस कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर बैटमैन इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस
ऑफिस पर आज अपने पहले दिन एक काफी अच्छी ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर तेलुगु सिनेमा की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म भीमला नायक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसे की रिलीज हुए आज 8 दिन पूरे हो चुके हैं और आज दोस्तों इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि सागर चंद्र के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म भीमला नायक, जिसके लीड में आपको पावर स्टार पवन कल्याण और राणा डग्गुबत्ती नजर आए हैं। दोस्तों इस फिल्म को भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते लगभग 1200 से 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन एक ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली और हैटर्स की बोलती बंद कर दी। बताते चले दोस्तों आपको कि तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक पवन कल्याण की इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जो कि एक तरह से आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से रिव्यूज भी काफी अच्छे मिले, जिस वजह से दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती 3 ही दिनों में 70 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर दिया। और अगर बात की जाए इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि अपने शुरुआती 3 दिनों में 77 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई कर चुकी थी। साथ ही साथ दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिल रहे काफी अच्छे रिव्यूज की वजह से इस फिल्म ने अपने 4थे दिन यानी कि फर्स्ट मंडे को 8 करोड़ 23 लाख रुपए कमाए, अपने 5वें दिन कमाए थे 11 करोड़ 55 लाख रुपए, वहीं अपने 6ठे दिन कमाए थे 5 करोड़ 40 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म 2022 में रिलीज होने वाली इंडियन सिनेमा की पहली फिल्म बनी थी जिसने कि इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया हो। बताते चले दोस्तों आपको कि कल के इस फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहे वो रहे हैं 5 करोड़ रुपए के, जिससे कि इस फिल्म का जो टोटल है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ते 107 करोड़ रुपए का हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 150 करोड़ रुपए के आंकड़े को अपने पहले हफ्ते में पार कर चुकी है। दोस्तों इस फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपए का था। इस तरह से देखा जाए तो ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म बन चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज भी 12 से 15% की ऑक्यूपेंसी पर ओपनिंग हासिल की है। साथ ही साथ दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग में भी इस फिल्म के जो कलेक्शंस है वो काफी स्ट्रांग होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने 8वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का इंडियन टोटल कलेक्शन 112 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन 160 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज टच कर चुका होगा और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक सुपरहिट फिल्म बन चुकी होगी। बात की जाए दोस्तों यहां पर आलिया भट्ट और अजय देवगन सर की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसे की रिलीज हुए आज 8 दिन पूरे हो चुके हैं। चले दोस्तों आपको कि संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनने वाली इस बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन से काफी शानदार ओपनिंग ली और फीमेल सेंट्रिक फिल्मों में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस और उनके एक्ट को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों अजय देवगन सर ने जिस तरह का रोल इस फिल्म में निभाया है वो भी ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो अपने पहले दिन 10 करोड़ 50 लाख रुपए की धमाकेदार कमाई करने वाली इस फिल्म ने भी अपने शुरुआती 3 ही दिनों में 39 करोड़ रुपए का आंकड़ा इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पार कर दिया था। अपने 4थे दिन भी दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रांग होल्ड रखा और कमाए 8 करोड़ 19 लाख रुपए। अपने 5वें दिन दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में एक बार फिर से ग्रोथ देखने को मिली और इस फिल्म ने कमाए 10 करोड़ 1 लाख रुपए। वहीं दोस्तों अपने 6ठे दिन इस फिल्म ने 6 करोड़ 21 लाख रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर ली थी। वहीं दोस्तों कल ये फिल्म अपने 7वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में 105 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। इसी के साथ दोस्तों गंगूबाई काठियावाड़ी 2022 में रिलीज होने वाली तीसरी 100 करोड़ी इंडियन फिल्म बन चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर एक हिट ट्रेंड कर रही है। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के आज के कलेक्शंस की, तो दोस्तों आज इस फिल्म के सामने 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो चुकी है। लेकिन दोस्तों गंगूबाई काठियावाड़ी को आज भी ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और यही वजह है दोस्तों कि गंगूबाई काठियावाड़ी आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से 5 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है और शुरुआती 8 दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 74 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ एक हिट फिल्म बनने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों गंगूबाई काठियावाड़ी का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कितना हो सकता है और क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।